हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं इलेक्शन के मेल्टडाउन, कौन से इलेक्शन अभी तक उसी का मजा लेते हैं। हरियाणा इलेक्शन जो 2024 में हुए हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जरूर वो हवा आने दो, सुनामी आने दो वाला भी आएगा मेरे को लगता है। चलो देखें। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा कि इस चुनाव में तीन संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस का करियर खत्म हुआ नहीं हुआ। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अशोक तंवर आखिरी लम्हे में कांग्रेस में आ जाते हैं। याद कीजिए, वीरेंद्र सहवाग जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, कांग्रेस ही दलाल है। पहला मैसेज बहुत साफ है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बंदे के व्यूज तो देखो मिलियन मिलियन में। कांग्रेस के समय बहुत आगे है हरियाणा। ऐसी जनता हार रही है हरियाणा में, बुरी तरह से हार रही है। तो ये हार सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की पहली हार के बाद अभी दूसरी हार होगी। मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। खाओ मां कसम, अब कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है हरियाणा में, तूफान आ रहा है हरियाणा में, लहर है बीजेपी के खिलाफ। सब भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पूरे हरियाणा से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस सबके सबको रटाया हुआ है। एक महेंद्रगढ़ नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो अत्याचार कर रही है उसका हिसाब चुकता करने का समय आ गया। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 इसका तो पता नहीं है, उससे कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। चले भी भाई, क्या बात कर रहे, वो जीतते नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मेवात पे तीनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गुलाम चमचे भी लाइक। जल्दी जल्दी हमारे साथ भी यही हुआ था, जीत गए मोदी जी, हार गए चमचे। जलेबी खा लिया आपने पवन खेड़ा जी, पटाखे चल रहे हैं, जलेबी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको भी खिलाएंगे, मोदी जी को भी खिलाएंगे। कब खिला रहे हैं? अभी आ जाइए AICC, अभी जलेबी आपको आज भी खिलाएंगे, कल भी खिलाएंगे, और प्रधानमंत्री जी को बता भी दीजिएगा। इंडिया गठबंधन की हरियाणा में होने वाले अग्रिम जीत की बहुत बहुत हार्दिक। ये भी देखा था हमने एक जगह, कितनी जलेबियां खा रहे थे लोग जगह जगह। हेलो शंकर बज रहे हैं, तमाशे देखो इनके। प्रयास की जीत पर आप लोगों को जलेबी खिलाई जा रही है। पहली जीत की जलेबी। प्रयास है पूरे देश में गरीबों के लिए लड़ रहे राहुल गांधी, और आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अरे हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्हें लाठी बजाई तो चुनाव से लगा जी सरकार, जो लाठी बजाओगी वो सरकार जागी। लेकिन एक सेकेंड तलवार हो जाए बैठ के दिल्ली बॉर्डर पे, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जलवा कायम रहा, जहाँ जहाँ योगी ने प्रचार किया है वहाँ बीजेपी आगे चल रही है। मतलब जिस आक्रामक तरीके से योगी प्रचार प्रसार कर रहे थे, स्टार प्रचारक वो बीजेपी के हैं, कमाल कर दिया। बिल्कुल सही, मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। कैसे 8 सीटें, वो 8 सीटें जहाँ राहुल गांधी प्रचार के लिए उतरे थे वहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। अच्छा बात है। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी। हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बाय खत्म, बाय बाय, गुड बाय। गया क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? क्यों अभी नहीं रुकना?
सीटें भी टाई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे हैं आप जाओ सीधा हो बुलाएंगे आपको। अच्छा क्या हुआ, स्टेज गिर गया है? ये भी बड़ा मजेदार था। ये कौन है? ये तो वो है, ये कौन है? ये कब हुआ है? ये कब हुआ था? शराब आती है मोदी जी का ऐसा बना। चंद घंटों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मुंह से सुपारी निकल के बात कर रहे बाबा। आपकी पार्टी के नेता अभी चंद नायक बता दें, चंद नायक होने का क्या फायदा अगर आप अपनी पार्टी की राजनीति से वाकिफ ना हो। आज जो हुआ है, एक बार फिर बारात में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई। लेकिन आज जो हुआ लगता ना और कुछ बल्कि बिल्कुल। लेकिन भाई रिजल्ट जनता तो वोट दे नहीं रही, आठ वहां से रही। गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, हमारी समझ से तो बाहर है। मतलब अनकहा आरोप ये है कि ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया हो गया। शुरू वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे उसका तो शर्म से डूब गया। वी हैव रिसीव्ड वेरी सीरियस कंप्लेंट्स ऑन बिल्कुल द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। बहुत ही घटिया द फंक्शनिंग ऑफ ईवीएम्स। इनसे देश चलवाना था। थ्री डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को तो डुबा देंगे देश को। उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। हम लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का जीते हमारा सब ठीक था, जहां हारे वहां गड़बड़। ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। फोकस कर अपने डाइन में। आप कितने झूठे हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अभी बचत है भाई, अभी बचत है। ये तो नौटंकी है। ये उसका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। बाप रे बड़ा खतरनाक था। पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है और समाजवादी पार्टी इसी में लड़ रही है क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। अगर किसी की नोज अगर टेढ़ी है तो आप ये देख लीजिए कि ऐसा इंसान आपको आपके सामने आपका बन के रहेगा और पीठ पीछे आपको धोखा देगा। अच्छा जी, दोगला जी। क्या बोला तूने? दोगला मेरे तो क्या है कि अब मन करता है कि इस देश को छोड़ के हम कहीं चले जाएं। तुम चलो भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। ये एक जनरल थे। इस देश में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। फिर क्या हुआ? और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद खराब करने के बाद राहुल गांधी ने रुख किया है महाराष्ट्र का। माँ भी आ रहा है। ये भगवान क्या जुलूम है। भाई महाराष्ट्र वालों जाग लो, जैसे हरियाणा की जनता समझदार थी दिखा देना कि तुम भी समझदार। एक चीज थी वो जो आंधी तूफान और तो सुनामी वाला था, उसको शर्म ही नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। ये लोग पता नहीं वो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं वो वर्ड कौन सा होता है हिंदी का, ढीठ टाइप, उस टाइप का लग रहा था। और वो भी वो जलेबी भाई को भी नहीं आई। अब वो महाराष्ट्र की तरफ बैठ गए सबके सब देख के कि भैया वहां पे अब हम वहां पे फोकस। इतना जबरदस्त क्रिटिसिज्म के बाद उन लोगों को लगना चाहिए कि क्या झूठ बोले थे। मैं तो ये कह रही हूँ भैया, अपने देश की जनता भाई देख लो ये कैसे लोग हैं, तुम इनको बोल देते हो। पहले डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, जब आपको रिजल्ट मिल जाए तब आप सेलिब्रेट करिए। पहले देखे बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है जो पहले सेलिब्रेट करने से सेलिब्रेट ही नहीं, तुम झूठ बोलते हो उसके बाद तुम उसके हारते हो तो उस हार को स्वीकार भी नहीं कर रहे। तुम्हारा तो करेक्टर ही खराब है। उसके बाद जहां तुम जीते हो वहां सब ठीक है, जहां तुम हारे हो वहां पे ईवीएम खराब था, कोई लोचा हुआ था, भैया वोटिंग ठीक नहीं थी, बीजेपी ने चलाकियां की है, चीटिंग की है, वो बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है। जो इस टाइप के लो बातें करें उनको तुम अगर अपना देश बोलोगे चलाने के लिए, वो देश चलाएंगे नहीं, देश को खा जाएंगे।
सच्ची बात बोल रही हूँ। और वो वाला तो बहुत ही अच्छा मीम था जिसमें उसको वो कौन है केजरीवाल और वो दूसरी आतिशी दोनों का मिक्सचर बना के उसको बड़ा कमाल कर रहा है। कमाल है, दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक। उसको देख के तो और बड़ी खतरनाक शक्ल थी, शक्ल में बड़ी खतरनाक थी। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।